नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के वन तथा प्राकृतिक वनस्पतियाँ, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे वन के प्रकार, पर्णपाती वन और मरुस्थली वन, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन और महत्वपूर्ण वृक्ष के बारे में जानेंगे और वन नीति आदि। ठीक है, तो बिना देर के चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहले तो जान लेते हैं हम लोग कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती क्या हैं, और उससे पहले जानेंगे कि वनस्पति किसे कहा जाता है। ठीक है, तो पौधों के जो समूह होते हैं उसे कहा जाता है वनस्पति। पौधों का एक सघन रूप कहलाता है वनस्पति। भौगोलिक तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत के अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां या वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा वन के प्रकार। तो वन या वनस्पति के प्रकार, तो इसके प्रकार हैं टोटल 11, जिसमें से पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, चौथा है उपोष्ण पर्वतीय वन, पांचवा है शुष्क पर्णपाती वन, छठवां है हिमालय के आर्द्र वन, और सातवां है हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन, और आठवां है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, और नौवां है अल्पाइन एवं अर्ध अल्पाइन वन, और दसवां है मरुस्थलीय वन, और ग्यारहवां है डेल्टाई वन। तो ये सब जो है वन के प्रकार हैं, इनको हम विस्तृत रूप में देखेंगे यानी कि व्याख्या करेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, तो इसके बारे में हम इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। ये जो है यानी कि ये फॉरेस्ट अक्सर उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 150 यानी कि 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। तापमान का भी जो है 15 से 30 अंश सेल्सियस तक होना अनिवार्य है। ये वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के भागों और हिमालय के निम्न श्रेणी जैसे भांभर हो गए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि में जो है पाए जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है, उन क्षेत्रों के जंगल सघन होते हैं, और इन क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके पत्ते नियमित रूप से नहीं झड़ते, और इसी के कारण ये सदाबहार वन कहलाते हैं। अगला देखते हैं कि इन जो फॉरेस्ट है यानी कि ये जो फॉरेस्ट में पाई जाती है जहाँ, वहाँ पे कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे सफ़ेद देवदार पाए जाते हैं, बेंत पाए जाते हैं, मूली, बांस, चलपास, गर्जन आदि बीहड़ स्थलों में होने के कारण इन वनों का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं हो पाता है। और ये पश्चिमी घाट जैसे पश्चिमी घाट हो गए, असम हो गए के ऊपरी इलाकों या हिमालय के ढालों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके फैक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि ये वन जो है भारत में अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आर्द्रता जो है 70% से अधिक होती है, वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला है, अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन जो है सघन और ऊंचे होते हैं, यानी कि आर्द्रता के कारण ही ये सघनतम रूप में और घने होते हैं और ऊँचे ऊँचे होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में पाए जाते हैं असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार और सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन जो है वर्षा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि वर्षा के आधार पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दो प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, इस प्रकार के वन सदा हरे भरे रहते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, इस प्रकार के वन हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं, और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। एक नोट है कि भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र कौन सा हो, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत में सबसे अधिक सघन वनों का क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष सिनकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड, रोजवुड का मतलब क्या है, शीशम, शीशम का पेड़ जो होता है, और आयरन वुड है। ठीक है, इन जो ये
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसके मुख्य वृक्ष ये हैं यानी कि सिंकोना, रबड़, नारियल, बांस, रोजवुड यानी शीशम और आयरनवुड। ठीक है, अब हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, इसका परिचय देख लेते हैं कि ये मानसूनी वन है और ये वन जो है भारत के उन भागों में पाई जाती है जहां औसत वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन वनों में जो है सागवन, साल, सखुआ, खैर आदि पेड़ पाए जाते हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। इसके फैक्ट्स देखते हैं कि भारत में जो है 19.7% भाग जो है ये वनस्पतियाँ या वन उपस्थित होते हैं और ये प्रायः जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को जो है मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन जो है पश्चिमी घाट की ढलान पर भारत के उत्तर पूर्वी भाग भांभर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में जो है मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो सागौन है, साल है, आम है, शीशम है, त्रिफला है, चंदन है और महुआ है। ये जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के मुख्य वृक्ष हैं। अब सागौन देख लीजिए कि सागौन जो है यानी कि टीक, सागौन जो है पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है और कुल सागौन वृक्षों का जो है 50% हिस्सा कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो शुष्क पर्णपाती वन में भारत में जो है 41.8% भाग पर ये वनस्पतियाँ उपस्थित हैं और ये प्रायः जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं और इसके मुख्य वृक्ष हैं आम, शीशम, बबूल और चंदन। अब यहाँ से चंदन देख लीजिए, चंदन सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि चंदन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, फिर तमिलनाडु में और केरल, ये तीनों जगह पे सबसे ज़्यादा चंदन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन जो है यूकेलिप्टस के वृक्षों का विस्तार पाया जाता है और नीलगिरी की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों को सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। अब बात यह है कि यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है कि केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में प्रसिद्ध साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन इसके बारे में जानते हैं हम लोग कि ये वन जो है उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है और औसतन तापमान जो है 16 से 22 सेल्सियस इसका औसतन ताप होता है और ये वन जो है मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कच्छ आदि स्थानों में पाए जाते हैं। और इसमें जो वृक्ष हैं इसके जो वृक्ष हैं बबुल, पलाश, काजू, खैर, जंगली तार आदि इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हिमालय के आर्द्र वन। हिमालय के आर्द्र वन, तो आर्द्र शीतोष्ण वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहां औसत ऊंचाई जो है 1000 से 2000 मीटर के बीच होती है और ये फॉरेस्ट जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पर्वतीय भाग और उत्तरी बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं, साल है, पाइन है, ओक और चेस्टनट आदि। तो यहाँ की जो है प्रमुख यानी कि हिमालय के आर्द्र वन की सब प्रमुख वनस्पतियाँ कौन कौन सी है, साल, पाइन, ओक, चेस्टनट आदि। ठीक है, अगला है हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन। तो हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि हिमालय के जो शुष्क शीतोष्ण वन जो है जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में पाए जाते हैं। दरअसल ये वन जो है शंकुधारी वन होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये वन जो है शंकुधारी वन होते हैं और इन वनों की प्रमुख किस्मों की बात करें तो देवदार, ओक, विलो, मलबरी, ओविल आदि जो है इन यहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं हम पर्वतीय वन की। पर्वतीय वन यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो पर्वतीय वनों पर जो है प्रमुख रूप से भोजपत्र वृक्ष, चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर पाए जाते हैं। और भोजपत्र वृक्ष क्या होता है, तो भोजपत्र जो वृक्ष है इसके बारे में जान लेते हैं कि इस पेड़ की सफ़ेद छाल प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होती थी। ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, एग्ज़ाम में आया हुआ है तो ये पॉइंट याद रखिएगा। भोजपत्र वृक्ष क्या है कि इस पेड़ की सफ़ेद छाल यानी कि प्राचीन समय में ये जो पेड़ की जो सफ़ेद छालें थी इसमें जो है ग्रंथ लिखने में उपयोग किया जाता था। चीड़, अब चीड़ की बात आती है तो चीड़ क्या है, चीड़ का जो वृक्ष है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाया जाता है। और इस पेड़ से जो है लीसा नामक, ये पॉइंट याद रखिए, लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो तारपीन के तेल बनाने, साबुन, कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और सिल्वर फर, ठीक है, ये वाला सिल्वर फर, तो इसका उपयोग जो है माचिस की तीली, कागज बनाने में होता है। और अगला है देवदार, तो देवदार जो है समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है। पश्चिमी हिमालय में देवदार वनों का विस्तार जो है अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। यानी कि पर्वतीय वन में जो है कि ये तीन पॉइंट याद रखिएगा कि भोजन पत्र वृक्ष यानी भोजपत्र वृक्ष क्या हैं, ये इसके जो लाभ क्या हैं, और चीड़ जो है चीड़ का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, सिल्वर फर क्या होता है। तो यानी कि भोजपत्र तो याद रखिएगा आप लोग कि हर जो इस पेड़ की जो सफ़ेद छाल होती है ये प्राचीन समय में ग्रंथ लिखने में उपयोग होती थी। चीड़ का जो है चीड़ ये है जो उत्तराखंड में पाया जाता है। और लीसा नामक इससे जो है एक पदार्थ निकलता है जो तारपीन के तेल बनाने में, साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक सामान बनाने में उपयोग किया जाता है। और सिल्वर फर जो है इसका उपयोग माचिस की तीली बनाने में और कागज़ बनाने में उपयोग होता है। मरुस्थलीय वन, तो मरुस्थलीय वन क्या है, इन्हें जो है उष्ण कटिबंधी काटेदार वृक्ष भी कहते हैं। और मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। विस्तार जो है राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में, साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य के अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में जो है ये वनस्पतियाँ उपस्थित हैं या ये वन पाए जाते हैं। इसमें जो है मुख्यतः वृक्ष कौन से हैं, बबुल, खजूर, नागफनी, कैक्टस और खेजड़ी है। तो यहाँ पे खेजड़ी आप लोग नहीं जानते होंगे तो खेजड़ी बता दें कि खेजड़ी को जो है मरुस्थल का राजा कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि खेजड़ी जो वृक्ष है इसे मरुस्थल का राजा कहा जाता है। क्यों राजा कहा जाता है ये भी याद रखिएगा कि ये जो मरुस्थल यानी कि मरुस्थली जो वन है, ये मरुस्थली वनों में ये जो पेड़ है खेजड़ी वन का पेड़ जो यानी खेजड़ी का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, वो हमेशा हरा भरा रहता है। इसीलिए खेजड़ी को जो मरुस्थल का राजा कहा जाता है, ठीक है। अगला है डेल्टाई वन, तो डेल्टाई वन इसे जो है मैंग्रोव या दलदरी भी कहते हैं। और ज्वारी वन, यानी कि तीन पॉइंट इसके कि डेल्टाई वन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं और दलदली भी कहते हैं और ज्वारी वन भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये डेल्टाई वन जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्र में उगते हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष के कारण जो है इसे सुंदर वन भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्ष, ठीक है, ये सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसे सुंदर वन डेल्टा यानी सुंदर वन कहा जाता है। तो डेल्टाई वनों में जो है मैंग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बंदी, इनके वृक्ष पाए जाते हैं डेल्टाई वनों में। नोट याद रखिएगा कि डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं ये भी पॉइंट याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जो है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला नोट ये है कि मैंग्रोव यानी कि मैंग्रोव सबसे प्रमुख वृक्ष है और जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। सुंदर वन के डेल्टा प्रदेश में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि पूछ देगा सुंदरी वृक्ष किस डेल्टा में पाए जाते हैं, सुंदर वन के डेल्टा प्रदेश में जो है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे राष्ट्रीय वन नीति। तो राष्ट्रीय वन नीति यानी कि कब से ये जो वन है इनके बचाने की नीति अपनाई गई या ये कब से लागू किए गए, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। राष्ट्रीय वन नीति जो है भारत में आने से पहले 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारत वर्ष में जो है वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए थे, और 1894 में जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब वायसराय थे तब देश में जो है पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि 1894 लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जब वायसराय थे तब देश में जो है पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, और इस नीति के तहत जो है भारत में वन विभागों जो है यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की स्थापना की गई, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति जो है 1952 में घोषित की गई, जिसे 1988 में जो है संशोधित करके राष्ट्रीय वन नीति 1988 की घोषणा की गई। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत के महत्वपूर्ण वृक्ष। ये ऐसे वृक्ष हैं जिनसे जिनके बारे में आप लोगों को जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं कि फर्न, पहला वृक्ष का नाम है फर्न। तो ये पौधे जो है वह ये पौधे उस किस्म के हैं जिनमें न तो फूल होते हैं और ना ही बीज। इस तरह के पौधे जो है संसार में प्रत्येक भाग में फैले हुए हैं। ठीक है, और तेंदू आता है, तो तेंदू वृक्ष जो है भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां जो है बीड़ी बनाने में काम आता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि बीड़ी बनाने में कौन से वृक्ष के पत्ते जो हैं काम आते हैं, तो तेंदू वृक्ष के पत्ते, यानी कि तेंदू वृक्ष जो है उनकी पत्तियां जो होती हैं बीड़ी बनाने में काम आती है। नोट भी याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितना होता है, 33% होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अंडमान निकोबार में जो है मैंग्रोव, सदापर्णी यानी कि सदाबहार, पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का जो विस्तार पाया जाता है। ठीक है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में स्थित है, और यहाँ पर जो है पूरे यहाँ परे फलों की यानी कि पूरे फलों की जो है 500 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, अगला पॉइंट है मेरा खैर। खैर के बारे में जानेंगे, खैर जो है वृक्ष, खैर वृक्ष पूरे भारत में पाया जाता है, पर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पाया जाता है खैर वृक्ष, जो कि पान में जो है चूने के साथ जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है, यानी कि देखो इतना कहने का मतलब है कि पान में चूने के साथ जिस कत्थे का उपयोग किया जाता है, तो कत्था कोई अगर हम सीधे डायरेक्ट कत्था कहें तो कुछ और ना समझिएगा, जो पान में उपयोग किया जाता है कत्था, वो कत्था जो है इसी पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो पान में चूने के साथ जो पत्ता यानी कि कत्था जो उपयोग होता है वो खैर के वृक्ष से यानी खैर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला पौधा का नाम है यानी अगला वृक्ष का नाम है पलाश। तो इसे जो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ दे एग्जाम में कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस वृक्ष का नाम है, तो आप लोग ऑप्शन में जरूर टिक करिएगा कि पलाश, पलाश वृक्ष जो है इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जाना जाता है, और इस वृक्ष के फूल बहुत आकर्षक होते हैं, और इन आकर्षक फूलों के कारण इसे जो है जंगल का आग भी कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, तो पलाश को, यानी कहने का मतलब है कि इस वृक्ष के जो यानी पलाश के वृक्ष के फूल बहुत आकर्षक होते हैं, और इन आकर्षक फूलों के कारण इसे जो है जंगल का आग यानी कि फ्लेम ऑफ द फायर भी कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में होली के रंग जो है इसके फूलों से ही तैयार किए जाते थे, यानी कि प्राचीन काल में जो है अगर होली मनाई जाती थी तो फूल जो रंग होते थे वो जो है इसी यानी कि पलाश वृक्ष से ही प्राप्त किए जाते, यानी पलाश वृक्ष के फूलों से ही प्राप्त किए जाते थे। ठीक है,
अगला नोट याद रखिएगा कि पलाश के फूल को जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। यह भी याद रखिएगा कि पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है तो पलाश के फूल, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे वन अनुसंधान संस्था या भारतीय वन सर्वेक्षण, इन दोनों का हम देखेंगे फैक्ट्स, उनके बारे में जानेंगे कि पहले तो वन अनुसंधान संस्था देखते हैं। भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। ये भी याद रखिएगा कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना भी याद रखिएगा कि 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो फैक्ट्स हैं ये भी जान लीजिए, वन अनुसंधान करना और वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना और वन रेंजरों को प्रशिक्षित करना, ये जो है इसके तीनों लक्ष्य हैं। अब देखते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण, तो ये संस्था जो है भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के अधीन आती है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में की गई थी। अगला पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि FSI हर 2 साल के अंतराल में भारतीय वन संबंधित अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है। धन्यवाद। इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने दिए और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।